भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों आपको सोनालिका वर्ल्ड ट्रैक 75 RX दोस्तों टर्बो के साथ ये ट्रैक्टर है और इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन और आपको ट्रैक्टर चारों तरफ से दिखाएंगे। ये टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। कुछ जो फीचर्स हैं इसमें जो नए मॉडल में दोस्तों अलग आए हैं, जो कि पुराने मॉडल में नहीं थे, मैंने नहीं देखे, मैंने ये सिर्फ जो ये वाला मॉडल है इसमें ये देखे हैं। कुछ ऐसी अलग सी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है जी। सबसे पहले दोस्तों मैं अगर इसकी फाइबर कनोपी की बात करूं और ROPS की बात करूं तो मैं आपको ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के दिखा दूंगा। बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत बढ़िया और लंबी फाइबर कनोपी लगी हुई है। लंबी का मतलब है कि बिल्कुल आगे तक काफ़ी लंबी है ट्रैक्टर के हिसाब से। वैसे जो 75 HP के जो ट्रैक्टर होते हैं उनमें इतनी बड़ी मतलब कि फाइबर कनोपी कंपनी नहीं देती जितनी बड़ी इसमें लगी हुई है। आपको मैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है जी। और टर्बो के साथ ट्रैक्टर है। अगर मैं इसके पिछले टायरों की बात करूं वो जी है जी 16-30 के इसके टायर है दोस्तों। 16-30 के टायर का जो देने का इसका कंपनी का उद्देश्य है बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप इसमें 18-30 के टायर भी डलवाना चाहते हो तो वो भी बड़े आराम से आ जाएंगे, क्योंकि जो रिम साइज़ है, रिम साइज़ भी जो इसकी हाइट है पूरी 30 इंच है। और दूसरी बात है कि जो मरगाड़ के अंदर की जो जगह है वो भी बड़े अच्छे तरीके से इसमें 18 का टायर बड़े अच्छे तरीके से फिट आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद में दोस्तों अगर अगले टायर की बात करें तो 750/16 के जो टायर इसमें दिए गए हैं, ये टू व्हील ड्राइव जो अपना ट्रैक्टर है। उसके बाद में अगर मैं इसके फ्रंट वेट की बात करूँ तो कंपनी फिटेड ही अच्छा खासा जो वेट है वो लगा के कंपनी दे रही है। 31 किलो की एक प्लेट है और 6 प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक है जी। 186 किलो के आसपास जो इसका वज़न बनता है, ठीक है भाइयों। और फ्रंट एक्सल भी आप देख लीजिए नीचे से, एडजस्टेबल के साथ साथ ड्यूल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है और मजबूत इसका पावर फ्रंट एक्सल है जो मैं बोलूँ, ठीक है। यहाँ का जो हंडी वगैरह आप नीचे से देख लो, ठीक है जी। ट्रोले पे चढ़े हुए ट्रैक्टर की वीडियो बनाने का यही फ़ायदा है कि आपको इसका जो निचला ज़मीनी स्तर है वो भी अच्छे तरीके से दिखाई दे देता है, ठीक है जी। अब मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखा दूंगा। उसके बाद में देखो दोस्तों जो इसमें अलग चीज़ मुझे लगी, देखो स्पोर्ट लगी हुई है इंजन में, कि कोई क्रैकिंग व्रैकिंग का कोई भी ऐसा नहीं, बिल्कुल कंपनी फिटेड ही दे दी है। अगर आप ट्रोले वगैरह पे या हैवी हॉलेज पे इसे चलाना चाहते हो या लोडर वगैरह पे भी चलाना चाहते हो, जब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कंपनी ने फुल सेफ्टी से इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट प्लेट की लगा के दी है, ठीक है जी। अब नीचे से आप और सारा कुछ इसमें देख सकते हो इसका, और सिंगल फूड स्टैप इसमें दे रखा है, जिसे एक फूड स्टैप अपना बोल देते हैं। और अपना जो टूल बॉक्स की देखो कितनी बढ़िया जगह है जो यहाँ पे निकाली है, और वाटर सेपरेटर वगैरह लगा हुआ है इनलाइन पंप के साथ। 3707 CC इसमें इंजन है और 75 HP ये निकाल लेगा, और टर्बो के साथ ये ट्रैक्टर है, ठीक है जी। सोनालिका 75 RX ये टर्बो के साथ ये ट्रैक्टर है। मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखा दूँगा, एक जगह लिखा हुआ है ऑटो लिफ्ट और टर्बो, ठीक है दोस्तों। तो इधर से आप देख लीजिए और देख लीजिए, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो एक्सपोर्ट ट्रैक्टर होते हैं उनमें जो बैटरी का जो जगह होती है यहाँ पे पैरदान के नीचे दे रखी होती है, सेम टू सेम इसमें भी इंडिया के लिए भी वही इन्होंने फैसिलिटी दे दी है। और इधर भी आपको एक वन फूड स्टैप मिल जाएगा, ठीक है जी। दोनों तरफ से आप किसी भी तरीके से चढ़ सकते हो। और आप एक चीज़ और ध्यान दो, जो उसका हीट गार्ड है, देखो हीट गार्ड कितना बड़ा है, और साथ में आपको हैंडल भी मिला हुआ है कि आप इसे पकड़ के भी दोनों तरफ से ट्रैक्टर के चढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ऊपर जाके ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के आपको दिखा देता हूँ। और इधरली साइड भी देखो कितनी मोटी हैवी प्लेट लगा रखी है, जिससे कि कोई भी क्रैकिंग व्रैकिंग की कोई ऐसी दिक्कत ना आए, ठीक है जी। दोस्तों अब मैं ऊपर आ गया हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। और जो दोस्तों एक अट्रैक्टिव चीज़ लग रही है, देखो ये चीज़ भी यहाँ पे कंपनी ने स्टील की लगा के दे रखी है, और बिल्कुल जो प्लेटफार्म है वैसे तो फ्लैट ही है, लेकिन थोड़ा सा बीच में एक बम्प है, और जो साथ में मैट वगैरह भी कंपनी से ही कंपनी ने लगा के दिए हैं। मैट का मतलब है जो यहाँ पे देखो ये चीज़, और रबड़ के हैं, क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। और दोस्तों यहाँ पे बैठ के ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बड़ी सी मशीन पे या बड़े से ट्रैक्टर पे या कह दें कि दे दिए, मतलब कि उसमें बैठ गया हो,
काफ़ी खुला डुल्ला सा है। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके इंडिकेटर वगैरह देख लीजिए और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, अगर मैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो ये वही है जो अपना सिकंदर सीरीज का है, तो वही है इसमें सेम टू सेम। ठीक है जी, ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि डिजिटल हो जाने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ठीक है जी, ये कुछ यहाँ मुझे एक सादा सा इसमें दिखाई दे रहा है। और सस्पेंडेड टाइप इसके ब्रेक्स और क्लच हैं भैया, मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, और हाई लो मीडियम का सा ट्रैक्टर है। और दोस्तों थोड़ा सा जो बात करते हैं ये इसके हैंड ब्रेक हैं। देखो ये इसका पीटीओ का इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है, जो ऐसे करके लग जाएगा। ठीक है जी, ये इसका पीटीओ का गियर है। और दोस्तों ये यहाँ पे जो ये भी पीटीओ का गियर है, यहाँ से आप इसके जो चक्कर हैं वो मतलब कि रिवर्स पीटीओ, इकोनॉमी पीटीओ, पावर पीटीओ, वो यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों जो बता रहा था कि इसका जो फाइबर कनोपी है, इसकी जो ROPS है, ठीक है जी, ये दिखाता हूँ। और ये देखो कितनी मजबूत तरीके से लगा रखी है। जो कंपनी फिटेड ROPS होती है वो टेस्टिंग के बाद ही ट्रैक्टर पर लगाई जाती है। देखो कितनी मोटी प्लेटें हैं और अंदर बिल्कुल एक्सल पे फिट हुई हुई हैं। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, अब मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये देख लो, ROPS को डबल स्पोर्ट का ट्रिपल स्पोर्ट लगी हुई है, नीचे से भी पूरे अच्छे तरीके से लगी हुई है। भाइयों जो हम बाद में ROPS लगाते हैं या छतरी में डंडा लगवाते हैं अपना एक शौकीनी तौर पे, दोस्तों उसका इस ROPS का बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाई गई है, वो शौकीनी टाइप का होता है। तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा कि आप जो पीछे डंडा लगवा रहे हो अपने ट्रैक्टर का, वो थोड़ा सा मजबूत ही लगवाएं। कम से कम जो उसका वजन है वो 40 किलो तो होना चाहिए कम से कम, नहीं तो मार्केट में आपको मैक्सिमम 26 किलो, 28 किलो, 25 किलो, 22 किलो ये मिलेगा। ठीक है, जो इसका जो वजन होता है, जो ये अगर मैं इस ROPS की बात करूँ अकेले डंडे की, तो ये 50 किलो क्या 60 किलो के आसपास बड़े आराम से होगा, क्योंकि ये काफ़ी मोटा है। ये यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, काफ़ी मोटे लोहे का बना हुआ है, मोटा पाइप है चने के। ठीक है जी, और देखो बिल्कुल ट्रैक्टर के बिल्कुल ट्यूब में ये फिट हुआ हुआ है। ये देखो पूरा एक ही है, यहाँ पे अलग नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो एक बात देखने की है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप कंपनी से जो ROPS लगा हुआ होता है उसमें मरगार्ड लगे हुए होते हैं, उस RPM पे ही, मतलब कि ROPS पे ही मरगार्ड फिट हुए होते हैं। जो आप बाहर आफ्टर मार एजेंसी लगवाते हो, मार्केट में लगवाते हो, उसमें मरगार्ड में ROPS लगाते हैं, इतना फ़र्क है बाहर में और जो कंपनी वाले देते हैं। ठीक है जी, इतनी अच्छी तरीके से फिटिंग बाहर हो ही नहीं सकती। देखो मैं कह रहा हूँ कि हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, ये पूरा सेफ्टी को लेके पूरा इसमें अच्छा ध्यान रखा गया है। और आप इसमें हाइड्रोलिक अगर मैं बताऊं आपको, तो इसमें मुझे देखने से जो मीटा कंपनी की हाइड्रोलिक लग रही है। ठीक है, मीटा कंपनी के ऊपर भी एक हाइड्रोलिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सबसे अच्छी जो लिफ्ट है इंडस्ट्री में, जो सर्वश्रेष्ठ इसे माना गया है, वो मीटा कंपनी की है। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं इसके साइड एडजस्टर की बात करूं, ये जो चीज़ें हैं साइड एडजस्टर, ये भी काफ़ी हैवी हैं। और एक बात और देखने लायक है कि जहाँ पे ये फिट हुए हुए हैं ये वाली चीज़ें, देखो ये वाली, ये भी कितनी मजबूत मोटी पट्टी से लगा रखी है। और इसकी लिंकें वगैरह भी काफ़ी हैवी हैं। 25 क्विंटल इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है, यानी कि 2500 kg। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए पूरा सेफ्टी गार्ड दे रखा है ऊपर PTO के ऊपर, और डबल हाउजरी वाल, और इंडिकेटर भी बड़े स्टाइलिश हैं सोनालिका के। कई तरह के इंडिकेटर आते हैं, वैसे जो ये वाले हैं सोलिस वाले हैं सोनालिका के, एक ही मान के चलो, बाकी ऐसे भी आते हैं कुछ मॉडल में, ये वाले भी आते हैं, लेकिन ये वाले थोड़े से जो अपर कैटेगरी, जो अपर HP कैटेगरी के हैं उनमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, पीछे लाइट वगैरह बड़ी अच्छी जगह से, मतलब कि बड़ी अच्छी जगह लगा रखी है। ठीक है जी, और EP साइक्लिक रिडक्शन सिस्टम के साथ ये ट्रैक्टर है। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ हैवी ड्यूटी रिवर्स PTO। ठीक है भाइयों,
और कंपनी फिटेड ही। इसमें जो आपको मैं फाइबर कनोपी दिखा रहा था, ये फाइबर कनोपी आम ट्रैक्टर से मुझे बड़ी लगी, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। चार लाइटें ही मिली हुई हैं इस कंपनी के साथ ही। और आप इसकी ये वाली प्लेट देखो कितनी बड़ी है, इतनी किसी में भी नहीं आती, हॉलैंड से भी बड़ी प्लेट है ये। और देखो फाइबर के बीच तक जा रही है, देखो कितनी बड़ी प्लेट है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कंपनी ने बिल्कुल क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया रखा है, बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। फिनिशिंग वगैरह अंदर से मैट ब्लैक है, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ये मैं बताना भूल गया, ये इसका सिंक्रो शटल है, सिंक्रो शटर बोल दिया, सुपर शटर बोल दो, और डिफरेंशियल लॉक वगैरह भी ट्रैक्टर में लगा रखा है कंपनी ने, ठीक है जी। और यहाँ से आप इसकी सेंसिंग को भी सेट कर सकते हैं, जो इसकी लिफ्ट है उसको सेंसिंग भी दे रखी है यहाँ पे। इसको घुमाने से आप इसकी जो सेंसिंग है इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये ट्रांसपोर्ट लॉक है, सीट भी फुल्ली डीलक्स टाइप एडजस्टेबल सीट है, ठीक है जी। और इसमें आपको मैं बताऊँ तो लिफ्टोमेटिक का भी दोस्तों इसमें ऑप्शन मिला दिया हुआ है कंपनी ने, ठीक है जी। ये लिफ्टोमेटिक है इसका। बाकी दोस्तों कोई कमी रहेगी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है जी। आपको ट्रैक्टर दिखा देता हूँ एक बार और अच्छी तरीके से ऊपर से।